सो अब हमने सोचा है कि जून में हम जो मोस्ट आस्ट वीडियोज हैं, जो आप लोग कंपैरिजन मांगते हैं प्रोडक्ट्स के बीच में, उसकी वीडियोज बनाएंगे। तो आज का पहला कंपैरिजन है नीवा बुपा हेल्थ एस्पायर वर्सेस आदित्य बिरला एक्टिव वन। इन प्लान में क्या कंपैरिजन है, क्या सेम चीजें हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा बेटर है, वो वीडियो के एंड तक आप डिसाइड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, लास्ट 19 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ एंड इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ, नीवा बुपा हेल्थ एस्पायर वर्सेस आदित्य बिरला एक्टिव वन। सो पहले बात करेंगे दोनों की इनकर क्लेम रेशियो के बारे में। नीवा बुपा की इनकर क्लेम रेशियो है 54.05% और आदित्य बिरला की है 64.68%। पहले बात कर लेते हैं दोनों प्रोडक्ट्स के यूएसपीज क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है। नीवा बुपा हेल्थ एस्पायर का सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है लॉक द क्लॉक, मतलब आपका जो प्रीमियम है वो लॉक हो जाता है टिल द टाइम यू मेक क्लेम फ्रॉम द पॉलिसी। जिस एज स्लैब पे आप एंटर करे हैं वही प्रीमियम पे करते रहेंगे, उसी एज स्लैब का प्रीमियम पे करते रहेंगे जब तक आप क्लेम नहीं लेते हैं। दूसरा, मटर्निटी बेनिफिट भी इंक्लूडेड है इसमें, आप मटर्निटी क्लेम कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड मिरेकल बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट, इसमें बूस्टर प्लस अवेलेबल है जिससे आपका सम एश्योर्ड अप टू 10x तक जाता है। और नीवा बुपा एस्पायर में अगर आप बीपी और डायबिटीज को डे वन से कवर करना चाहो तो उसके लिए भी राइडर अवेलेबल है, डिजीज मैनेजमेंट राइडर। आ जाते हैं आदित्य बिरला के यूएसपीज पे। पहला यूएसपी, क्रॉनिक केयर राइडर, मतलब ए बी सी डी प्लस कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस, अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, सीओपीडी, हार्ट कंडीशंस, ये सारी आपकी कवर होती हैं पहले दिन से विदाउट एनी वेटिंग पीरियड अगर आप क्रॉनिक केयर राइडर ले लेते हो। दूसरी अच्छी बात है कि कोई मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज पे इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, मैक्स, वाइटल, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं रूम एलिजिबिलिटी की। दोनों ही प्लान्स में कोई रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप एज पर एक्चुअल क्लेम कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज, मिनिमम एंट्री एज है नीवा बुपा एस्पायर में 18 ईयर्स फॉर एडल्ट्स, 91 डेज फॉर चाइल्ड, और मैक्सिमम एंट्री एज है एडल्ट्स के लिए 65, और मैक्सिमम जो डिपेंडेंट चाइल्ड है 30 ईयर्स तक कवर रह सकते हैं पॉलिसी में। अब आ जाते हैं आदित्य बिरला एक्टिव वन में। मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स फॉर एडल्ट, 91 डेज फॉर चाइल्ड, और मैक्सिमम डिपेंडेंट एज है 25 ईयर्स, और मैक्सिमम एंट्री एज कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज पे इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। नीवा बुपा एस्पायर में मिनिमम सम एश्योर्ड 3 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ अवेलेबल है। आदित्य बिरला एक्टिव वन में मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख, मैक्सिमम 6 करोड़ अवेलेबल है। पॉलिसी टेन्योर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप चूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको पॉलिसी में डिस्काउंट दिया जाता है। बोनस, बोनस होता है बेसिकली नो क्लेम बोनस, लॉयल्टी एडिशन, आप पॉलिसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंपनी आपको कुछ बेनिफिट देना चाहती है जिसको कहते हैं बोनस। तो नीवा बुपा एस्पायर में बोनस इज कॉल्ड बूस्टर प्लस बेनिफिट, मतलब आपके जो आप सम एश्योर्ड यूज नहीं कर रहे हो वो आपका नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो यू डोंट लूज व्हाट यू डोंट यूज, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग है, जैसे कि सो गोल्ड प्लस में मैक्सिमम आपका 3x तक जाता है, डायमंड में 5x, प्लैटिनम में, टाइटेनियम में 10x तक आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट जाता है। वेयर एज आदित्य बिरला एक्टिव वन में आपको 100% आपका सम एश्योर्ड का नेक्स्ट ईयर दिया जाता है और मैक्सिमम वो 500% तक जाता है, तो आपका हर साल बढ़ के वो 500% तक चला जाएगा। और अगर हम ये है मैक्स प्लान में, वाइटल प्लान में लेते हैं तो 50% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर, मैक्सिमम 100% दिया जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ मैक्स और वाइटल में मेजर डिफरेंस क्या है, कौन मैक्स ले सकता है, कौन वाइटल ले सकता है। अगर आपकी हेल्थ कंडीशंस नॉर्मल है, एक्जिस्टिंग कंडीशंस हैं ए बी सी डी प्लस जो हमने कंडीशंस की बात की थी, लेकिन वो कंडीशन की जो आप समझिए कि बीपी ज़्यादा नहीं है, आपकी एच बी वन सी डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा नहीं है, तो आपकी हेल्थ कंडीशन अंडर कंट्रोल है, तो आप मैक्स वेरियंट ले सकते हो। अगर वो अनकंट्रोल्ड है या कोई हैवी मेडिकल कंडीशन है, ज़्यादा नंबर ऑफ मेडिकल कंडीशंस हैं, तब आप वाइटल प्लान ही ले सकते हैं। तो वाइटल और मैक्स के प्रीमियम में डिफरेंस है। अब बात करेंगे डे केयर प्रोसीजर्स की। तो दोनों ही प्लान्स में सारे डे केयर प्रोसीजर्स हैं कवर्ड हैं, जहाँ पे 24 आवर्स के हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है, मतलब घर पे हॉस्पिटलाइजेशन दो कंडीशंस में होती है, अगर पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जा सकते इतने क्रिटिकल है, दूसरा हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन इज ऑल्सो कवर्ड। आयुष, आयुष इज आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसकी हॉस्पिटलाइजेशन भी दोनों प्लान्स में कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। फिर आ जाते हैं रीफिल बेनिफिट में। तो नीवा बुपा एस्पायर प्लान में देर इज रीएश्योर फॉर एवर, मतलब आपका फर्स्ट क्लेम आने के बाद आपका रीएश्योर ट्रिगर हो जाता है और वो हमेशा हर साल आपके साथ चलता रहता है।
वो खत्म हो गया तो अनलिमिटेड रीफिल ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक बार आपका रीफिल हुआ, आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है, आपने 10 लाख दोबारा से रीफिल लिया, आपको जरूरत पड़गी, वो भी खत्म हो गया तो दोबारा से 10 लाख का रीफिल मिल जाएगा, तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। एक डिफरेंस है कि रीएश्योर फॉर एवर है, एक बार ट्रिगर हुआ तो वो जितना रीएश्योर बेनिफिट है वो चलता रहेगा बेस सम एश्योर्ड के साथ और बूस्टर सम एश्योर्ड के साथ। आदित्य बिरला एक्टिव में भी अनलिमिटेड रीस्टोर है फॉर एनी इलनेस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस नीवा मुपा में कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड, आदित्य बिरला में कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप, दोनों ही प्लान में कवर्ड है एज पर लिस्ट और कैशलेस ही आप क्लेम कर सकते हैं इनकी एप्लीकेशन से। फिर आ जाते हैं वेलनेस बेनिफिट्स, मतलब आपको कुछ हेल्थ रिटर्न्स दिए जाते हैं, आप जितने नंबर ऑफ स्टेप्स वॉक करते हैं उस हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलता है एट द टाइम ऑफ रेनुअल। नीवा भूपा में अप टू 30% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं, आदित्य बिरला में अप टू 100% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन योर फिटनेस एक्टिविटी, आप कितने एक्टिव हैं, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स डेली चलते हैं, आपकी एप्लीकेशन ट्रैक करती है आपके नंबर ऑफ स्टेप्स, उसके बेसिस पे रिन्यूअल पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, नीवा भूपा एस्पायर में 60 डेज एंड 180 डेज, आदित्य बिरला एक्टिव वन में 90 डेज एंड 180 डेज का प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड है। ई कंसल्टेशन, आपकी नीवा भूपा पॉलिसी में ई कंसल्टेशन अवेलेबल है अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, आदित्य बिरला एक्टिव वन में ये फीचर नहीं है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एंड रोबोटिक सर्जरीज, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स रोबोटिक सर्जरीज आपके कवर्ड हैं अप टू सम एश्योर्ड इन बोथ द पॉलिसीज। नॉन पेएबल आइटम्स, नॉन पेएबल आइटम्स बेसिकली होते हैं कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स जो कवर्ड नहीं होते हैं आपके बिल में, तो नीवा भूपा एस्पायर में आपको राइडर लेना पड़ता है सेफगार्ड या सेफगार्ड प्लस, और आदित्य बिरला एक्टिव वन में ये इनबिल्ट कवरेज है फॉर 147 नॉन पेएबल आइटम्स। ओपीडी कवर, सो ये भी ऑप्शनल राइडर है, नीवा भूपा एस्पायर में आप ऐड कर सकते हैं वेल कंसल्ट, तो ओपीडी का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है नीवा भूपा वेल कंसल्ट का, आप रेफर कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो ओपीडी राइडर लेने में। तो आदित्य बिरला एक्टिव वन में ओपीडी राइडर का ऑप्शन नहीं है। देन को पेमेंट, दोनों ही प्लान में कोई को पेमेंट नहीं है, एज पर एक्चुअल्स पे किया जाएगा आपका बिल, आप किसी भी जोन से पॉलिसी ले सकते हैं, आप पैन इंडिया ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कोई को पेमेंट नहीं है। डिडक्टेबल ऑप्शन, डिडक्टेबल बेसिकली होता है कि आपको आप एक अमाउंट डिसाइड कर लीजिए, एक अमाउंट चूज कर लीजिए कि वो अमाउंट इनिशियली आप पे करेंगे कंपनी के क्लेम लेने से पहले। तो फॉर एग्जांपल आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, आप एक्स अमाउंट का प्रीमियम दे रहे हैं, आप जैसे ही डिडक्टेबल चूज कर लेते हैं आप बोलते हैं कि इनिशियल 20,000 रुपीज आप देंगे अगर कोई क्लेम आता है तो कंपनी आपको प्रीमियम पर डिस्काउंट दे देगी, तो वो उसे कहते हैं डिडक्टेबल। तो डिडक्टेबल अमाउंट आप चूज कर सकते हैं, इनफैक्ट डिडक्टेबल्स पे भी हमने डिटेल्ड में एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई है जो एक्सेल वीडियो है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल है अगर कोई डिडक्टेबल ऑप्शन लेना चाह रहा है तो। ये ऑप्शन अवेलेबल है, दिस इज ऑप्शनल, और अवेलेबल है ये नीवा भूपा एस्पायर में, आदित्य बिरला में डिडक्टेबल अवेलेबल नहीं है। मटर्निटी कवरेज, सो मटर्निटी कवरेज अवेलेबल है नीवा भूपा एस्पायर में, इट इज इनबिल्ट, जिसको कहते हैं मिरेकल बेनिफिट। मिरेकल बेनिफिट में आपका डिलीवरी, मिरेकल बेनिफिट में आपका अडॉप्शन, सरोगेसी, तो ये सब IVF, सो दीज आर ऑल कवर्ड अंडर मिरेकल बेनिफिट। इसकी फिक्स लिमिट है, वो फिक्स लिमिट स्पेसिफाइड है आपके सम एश्योर्ड के हिसाब से, और उसका वेटिंग पीरियड है 9 मंथ्स से लेके 48 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा वेरियंट चूज करते हैं उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। मटर्निटी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है आदित्य बिरला एक्टिव वन में, एज अ राइडर भी अवेलेबल नहीं है। ग्लोबल कवर, सो नीवा भूपा एस्पायर में बॉर्डरलेस कवर्ड है, बॉर्डरलेस एज अ राइडर अवेलेबल है, आप लेना चाहें ग्लोबल कवरेज तो आप चूज कर सकते हैं, उसमें को पेमेंट का ऑप्शन भी है, वो आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आप बॉर्डरलेस कवर, आपको इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट लेना मिल जाएगा प्लान्ड एज वेल एज इमरजेंसी। आदित्य बिरला एक्टिव वन में ग्लोबल कवर अवेलेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शनल राइडर्स की, नीवा भूपा में ऑप्शनल राइडर्स अवेलेबल हैं कैशबैक, जो कि एक डिस्काउंट होता है, आप क्लेम नहीं लेते हैं तो हर साल एक परसेंटेज आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा है बॉर्डरलेस, जो ग्लोबल कवर के लिए है। फ्यूचर रेडी, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अभी से गारंटी कर रहे हैं कि पॉलिसी में ऐड कर देगी इंश्योरेंस कंपनी, तो फ्यूचर रेडी आप ले सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड, आप अपना कवर डबल या ट्रिपल करना चाहते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड ऑप्शन ले सकते हैं, आप 2 साल 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं जिससे कि आपका सम एश्योर्ड और मटर्निटी बेनिफिट मिरेकल बेनिफिट भी डबल ट्रिपल हो जाता है। सेफगार्ड प्लस, जिससे कि नॉन पेएबल आइटम्स कवर होते हैं, और दूसरा है सेफगार्ड, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इन नॉन पेएबल आइटम्स की लिस्ट में, वो आप चेक कर सकते हैं। हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, जो आपका डेली कैश बेनिफिट है अगर आप फॉर द नंबर ऑफ डेज हॉस्पिटलाइज होते हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट डेली आपको दिया जाता है विच इज कॉल्ड हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, आप एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं तो ये राइडर ले सकते हैं। स्मार्ट हेल्थ राइडर, जिसमें कि डिजीज मैनेजमेंट राइडर आता है, आप बीपी और डायबिटीज को डे 1 से कवर कराना चाह रहे हो अगर वो प्री एग्जिस्टिंग है तो स्मार्ट हेल्थ राइडर ले सकते हैं। देन देर इज वेल कंसल्ट विच इज ओपीडी राइडर, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। आदित्य बिरला एक्टिव वन में क्रॉनिक केयर राइडर आप ले सकते हैं, जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस आपके डे 1 से कवर हो जाते हैं। अब बात करेंगे वेटिंग पीरियड्स की, दोनों ही प्लान में इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का,
30 डेज तक आप कोई भी प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा सकते हो. दूसरा है स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स, जिसे स्लो ग्रोइंग इलनेसेस भी कहा जाता है, तो ये कंडीशंस आपकी 2 साल तक कवर नहीं होंगी पॉलिसी में. थर्ड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस. तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए अगर आपने राइडर नहीं लिया हुआ, तो बीपी डायबिटीज के लिए या आदित्य बिरला में क्रॉनिक केयर राइडर नहीं लिया, तो दोनों में ही प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड है 3 ईयर्स. एंड उसके बाद कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, परमानेंट एक्सक्लूजन्स, जो पॉलिसी में कंप्लीटली कवर नहीं होते, वो लिस्ट भी आप रेफर कर सकते हैं. सो एंड में आपके साथ प्रीमियम शेयर करना चाहूंगी कि प्रीमियम क्या कॉस्ट करेगा, और आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपको कौन सी पॉलिसी ज़्यादा पसंद आई, आपकी जो ज़रूरत है उसमें कौन सी पॉलिसी ज़्यादा फिट हो रही है. अपनी ड्यू डिलिजेंस करके आप पॉलिसी खरीद सकते हैं. इन प्लान्स के इंडिविजुअल वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और डिटेल में जानना चाहे तो. एंड कुछ भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और बताइएगा नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं. जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.